तो अगर कभी हमें मिक्सचर में इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए तो उसे हम पेपर में एक या दो सेकंड में कैसे करेंगे, बिल्कुल मतलब दो तीन सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे लिए मिक्सचर का ये क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:5 है, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात क्या है, ये मिल्क है और ये वाटर है, इसका अनुपात कितना है, 3:5 है, ठीक है। और फिर बोल रहा है इसमें 20 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:7 हो जाता है। जब कब होता है साथ दोस्तों, जब 20 लीटर क्या मिला जाता है, पानी मिला जाता है। तो ये मिल्क है, ये वाटर है, इसमें कितना मिल रहा है, 20 लीटर पानी मिल रहा है। तो ये प्लस 20 लीटर क्या मिल गया, पानी मिल गया, LTR मतलब 20 लीटर पानी मिल गया। तो अनुपात कितना होगा, 3:7 होगा। देखिए दोस्तों मैं बस एक ही कंसेप्ट याद रखना, यहाँ पे हमने दूध को छेड़ा क्या, आप बोलोगे नहीं छेड़ा, क्योंकि हमने डाला क्या है, सिर्फ पानी को डाला है और दूध के साथ ना तो हमने निकाला है ना ही डाला है। तो इसको हम अब कैसे करेंगे, बस सिंपल है दोस्तों, एक सेकंड में हमारा आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे रेशो कितना बड़ा, 5:7 हुआ, मतलब 2 बड़ा, और इस 2 की वैल्यू क्या है, जो बड़ा है वही तो हमने डाला है, डाला कितना है, 20 लीटर डाला है, और जो 2 बड़ा है वही तो 20 लीटर डाला है, क्योंकि जो 2 बड़ा है वो 20 डालने पर ही तो बड़ा है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 की वैल्यू यहाँ से 10 लीटर आ जाएगी। तो हमसे क्या पूछा है, दूध की प्रारंभिक मात्रा मतलब 3 की वैल्यू पूछी है, तो 30 लीटर हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो दोस्तों कितने आसानी से हम कर सकते हैं, 3 की कैसे निकालेंगे, 1 है 3 का इधर इस साइड गुणा करेंगे और 3 का इस साइड गुणा करेंगे, तो 3 × 3 और 30 दम में ये 30 लीटर आ गया। तो यहीं से हम आंसर लाएंगे दोस्तों, कितना शानदार है। और भी अगर आप मैथ्स से रिलेटेड मज़ेदार वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें।